सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स विद ब्रोस। आज आपके साथ हम लेके आए हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग का दूसरा मैच, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल। तो उसका मिनी प्रीव्यू लेके आए हैं आपके साथ। तो पहले मैच का प्रीव्यू हमने किया था, पहला मैच हो चुका है, बहुत अच्छा मैच रहा। और दूसरा मैच का प्रीव्यू लेके हम आए हैं, आपका टाइम लेंगे, स्टार्ट करते हैं। दूसरे मैच में आपको हम बताएंगे प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, टॉप परफॉर्मर प्रेडिक्शन, फैंटेसी पिक्स, और नई कोई ऐसा नाम जो आपको शायद जो देखने को मिले जिससे लोग वो करें। तो स्टार्ट करते हैं प्लेइंग 11 दोनों टीमों की। पहले आरसीबी आपके स्लाइड के बगल में भी आ गई होगी। स्टार्ट करेंगी सोफिया डिवाइन और स्मृति मंदाना कैप्टन। नंबर 3 पे हेदर नाइट हो सकती है, एलिस पेरी, लेकिन मेरी जो प्लेइंग 11 मुझे लग रहा है उसमें दिशा कसाट को लिया। तो दिशा कसाट नंबर 4 पे, एलिस पेरी नंबर 5 पे, अगर आप देखें तो ऋचा घोष, फिर हेदर नाइट, उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे, और एलिस पेरी नंबर 4 पे रहेंगे। इंद्रानी रॉय, पूनम खेमना जो कि लेग स्पिनर है, श्रियंका पाटिल, मेगान शूट और रेणुका सिंह, अच्छे खासे बॉलिंग ऑप्शन होंगे। ये थी आरसीबी प्लेइंग 11। दिल्ली की प्लेइंग 11 की बात करें तो सफारी वर्मा, जमीमा रॉड्रिक, मैकलैनिंग, एलेस कैप्सी, मारेजान कैप, तानिया भाटिया, राधा यादव आपको बगल में दिख रहा होगा, और स्लाइड में शिखा पांडे, अरुण दत्ति रेड्डी एक यंगस्टर, उसके अलावा जस जॉनसन, पूनम यादव, अब सीटल 11 है। अगर बात करें तो दिल्ली की प्लेइंग 11 एज कम्पेयर टू आरसीबी, भले उसमें बड़े नाम हो लेकिन दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 में सारे नाम हैं, उनको थोड़ा थोड़ा अनुभव है बड़े स्टेज का। और आरसीबी में कुछ डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो अभी मतलब थोड़ा उन्हें का नाम अपना स्थापित करना है। ये थी प्लेइंग 11 दोनों टीमों की। और फैंटेसी पिक्स अगर बात करें तो कीपर में तो एक ही ऑप्शन हुआ है, ऋचा घोष। और इस बात करें तो आप ये एलिस पेरी जो कि थोड़ा नीचे आ रहे तो उन्हें नहीं, बाकी स्मृति मंदाना, सफाली वर्मा, जमीमा रॉड्रिक्स, ये सारी ऑप्शन हो सकते हैं। मैकलैनिंग अच्छा ऑप्शन है। और अगर नए ऑप्शन की बात करें तो दोनों तरफ के रिस्ट विनर्स अगर आप देखें तो पूनम खेमनार हों, और ये जो एक और अगर डेवन नेकर खेलती हैं तो रिस्ट विनर्स पर फोकस कर सकते हैं आप अगर उस लिंग में, तो ये एक फैंटेसी पिक होगी और कुछ नाम होंगे जो आप अपनी टीम में ले सकते हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन जो टॉप में खेले बॉलिंग करे, मारेजान कैप एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेंगे दिल्ली की तरफ से, बॉलिंग भी करेंगी बैटिंग भी करेंगी, हेदर नाइट सिर्फ बैटिंग करेंगी, तो उन्हें आप देख सकते हैं मतलब फॉर्म उनका। और न्यू स्टार मैं अगर देखूं तो मुझे लगता है यंगस्टर्स जो है हमारे श्रियंका पाटिल हो गई, अब दिल्ली से अगर आप देखें तो अरुंधति रेड्डी प्लेइंग 11 में रहेंगी, वो अच्छा ऑप्शन हो सकती हैं। और ये था प्लेइंग 11 टॉप परफॉर्मर की बात हो गई। प्रिडिक्शन दोनों टीम बहुत अच्छी है, मुश्किल है थोड़ा सा प्रिडिक्शन करना, बट आरसीबी मैं पिक कर रहा हूँ इस मैच के लिए कि वो जीतेगी ये मैच, और लेकिन बाकी काफ़ी अच्छा मैच होगा, क्लोज मैच होगा। तो चलिए जी एंड करते हैं इस वीडियो को। तो ये था अभी दोनों टीमों का प्लेइंग 11, और ये था रिव्यू एक छोटा सा। तो एंड करते हैं, बाय बाय, जय हिंद, एंजॉय।